हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ रदा फातिमा और ये जो बुक आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये इंटरमीडिएट की पार्ट वन बुक है, रक्षिंदा शहनाज की है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी लास्ट वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन और इस टॉपिक पे थी कि साइकोलॉजी आ साइंस। अब मेरा टॉपिक है गोल्स। द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी आर द सेम एज दोज ऑफ साइंटिफिक मेथड। वो कहते हैं साइकोलॉजी का जो गोल है वो बिल्कुल सेम है साइंटिफिक मेथड की तरह। देयर डिटेल इज एज फॉलोज। नंबर वन इज एक्सप्लेनेशन, नंबर टू इज कंट्रोल एंड नंबर थर्ड इज प्रेडिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करना, कंट्रोल और थर्ड प्रेडिक्शन। इन अदर वर्ड्स इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिकली, टू कंट्रोल सिचुएशन एंड देन टू प्रिडिक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास सिचुएशन है उसको सिस्टमैटिकली, जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करना, फिर उसके बाद जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना और फिर प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट करना होता है कि फ्यूचर के बारे में गेस लगाना। नाउ द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज और डिसिप्लिन्स डेट एम्प्लॉय दिस मेथड आर कॉल्ड साइंस। अब ब्रांचेस ऑफ नॉलेज और डिसिप्लिन जो हैं उनको हम आजकल साइंस कह रहे हैं। व्हेन यू आर टोल्ड दैट केमिस्ट्री और फिजिक्स इज अ साइंस, जब आपको कहा जाता है केमिस्ट्री और फिजिक्स एक साइंस है, इट एक्चुअली मीन दैट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आर द सब्जेक्ट्स दैट यूज साइंटिफिक मेथड। इसका मतलब ये होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स वो सब्जेक्ट हैं जो कि साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। In contrast to it, palmistry, literature, linguistics and philosophy are not considered science because their method of inquiry is unscientific. वो कहते हैं palmistry यानी कि अपने हाथों की लकीर वगैरह दिखाना, philosophy और बाकी सारी जो चीज़ें हैं उनको हम science नहीं कहते। उसकी वजह ये है क्योंकि जो इनके method of inquiry हैं वो unscientific हैं, जबकि chemistry और physics के scientific हैं। Since psychology is a science, जैसा कि हम सब जानते हैं अब कि psychology जो है वो एक science है, it also contains explanation of different conditions. तो इसके अंदर different conditions की explanation भी दी गई होती है, events की, various type of human behavior के, एक इंसान ने ऐसा behave क्यों किया, उसकी जो है scientific explanation आपको psychology में मिलेगी। During psychological studies and experiments, the factors or variables that influence an individual's behavior are brought under control and the reaction likely to be manifested in individual's behavior is predicted. अब psychology में क्या होता है कि एक individual के behavior को under control लाया जाता है, उसके reaction को manifest किया जाता है और फिर उसके बाद जो उसको predict किया जाता है। Since psychology studies individual's mind as well as behavior, since psychology जो है वो individual का mind और उसके साथ साथ उसका behavior भी study करती है, it is called science of behavior and mental processes. इसकी वजह से इसको science of mental processes और behavior भी कहते हैं। साइकोलॉजी इज़ डिवाइडेड इंटू वेरियस ब्रांचेस। साइकोलॉजी को बहुत सी ब्रांचेस में तकसीम किया गया है एंड एवरी ब्रांच इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक गोल। और हर जो ब्रांच है उसका अपना एक स्पेसिफिक गोल है। अभी तक हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी के गोल्स क्या हैं, तो सबसे पहले वो कहते हैं जो आम एक साइंस के सब्जेक्ट के गोल्स होते हैं उसी तरह साइकोलॉजी के भी वही गोल्स हैं। नंबर वन एक्सप्लेनेशन, नंबर टू कंट्रोल और नंबर थर्ड प्रेडिक्शन। यानी कि जो आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना, उसको कंट्रोल करना और फिर प्रिडिक्ट करना। आगे है साइकोलॉजी, एक मिनट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। साइकोलॉजी जो है वो साइंस है ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेसेस की। This definition of psychology entails explanation of the following concept. ये जो definition है psychology की entails करती है explanation of the following concepts: organisms, science, behavior and mental processes. Organism.
एवरीथिंग डैट इज एनिमेट एंड हैज ब्रेन इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म क्या है? हर वो चीज़ जिसके पास दिमाग है और जो जीती जागती है, लिविंग है, वो ऑर्गेनिज्म है. हैंस एनिमल चिल्ड्रन ओल्ड एंड यंग मैन वेमेन एंड मैन आर ऑल ऑर्गेनिज्म. इट्स सिनोनिम इज इंडिविजुअल. तो वह कहते हैं कि हम कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म वो है जो कि जीता जागता हो और उसके पास ब्रेन हो. तो एनिमल्स, चिल्ड्रन, ओल्ड मैन, यंग मैन, वेमेन, ये सब क्या हैं? ऑर्गेनिज़म्स हैं. तो इसका जो सिनोनिम है, मुतरादिफ जो है इसका, वो इंडिविजुअल है. ऑर्गेनिज्म वर्ड का जो सिनोनिम है, मुतरादिफ है, वो इंडिविजुअल है. साइकोलॉजी कैरीज आउट द स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल. साइकोलॉजी जो है वो इन तमाम साइकोलॉजी कैरीज आउट द स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल. साइकोलॉजी जो है वो स्टडी करती है और ऑब्जर्वेशन जो है इन तमाम इंडिविजुअल्स के बारे में कैरी करती है. साइंस, साइंस इज़ द ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड वे ऑफ इंक्वायरिंग नॉलेज. साइंस जो है एक स्टैंडर्ड वे है, ऑब्जेक्टिव वे है नॉलेज को एक्वायर करने का. स्टडीज कॉजेज एंड इफेक्ट अंडर कंट्रोल कंडीशन. कॉजेज और उसके इफेक्ट को कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर साइंस जो है वो स्टडी करती है. द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज डेट एम्प्लॉय दिस मेथड आर कॉल्ड साइंस. तो वो तमाम नॉलेज की ब्रांचेस जो कि इस मेथड को एम्प्लॉय करती हैं, यानी कि जो आपके पास नॉलेज है उसको कंट्रोल कंडीशन में स्टडी करना, उसको कंट्रोल कंडीशन में उसके कॉज और इफ़ेक्ट्स पे गौर फिक्र करना, जो है जो जितनी भी नॉलेज की ब्रांचेस हैं वो इन सब चीज़ों पे, यानी कि इस बेस पे स्टडी करती हैं, वो साइंस है. फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एक्सेट्रा. और आगे वो बता भी रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं नॉलेज की जो कि इस मेथड के अकॉर्डिंगली नॉलेज को गेन करती हैं. वो केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी हैं एक्सेट्रा. ऑल मीट दिस क्राइटेरियन. साइकोलॉजी टू मोर और लेस फॉलोज दिस मेथड. साइकोलॉजी जो है वो भी इसी मेथड को फॉलो करती है. एन इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ साइंस इज टू एक्वायर द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट. एक इम्पॉर्टेंट गोल साइंस का ये है कि उसके पास एबिलिटी हो प्रिडिक्ट करने की. यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री में प्रिडिक्शन ये होगी कि अगर हम इन दोनों केमिकल्स को मिक्स करेंगे तो आग लगेगी. अभी उन्होंने किया नहीं है, लेकिन वो उन दोनों केमिकल्स को स्टडी करने की बेस पे कह रहे हैं कि अगर हमने इन दोनों को मिलाया तो आग लगेगी. तो वो जो आग लगना है वो उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ साइंस जो है बेसिकली वो ये होता है कि वो उनके पास एबिलिटी आ जाए कि वो प्रिडिक्ट कर सकें. प्रिडिक्शन मीन्स टू मेक करेक्ट गैस अबाउट सम इवेंट इन द फ्यूचर. प्रिडिक्शन का ही मतलब होता है कि एक करेक्ट गैस लगाना. गैस है लेकिन बिल्कुल सही गैस है फ्यूचर के बारे में, ये प्रिडिक्शन है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टडीज एंड रिसर्चेस साइकोलॉजिस्ट आल्सो गिव एन आइडिया ऑफ हाउ द इंडिविजुअल विल बिहेव इन द गिवन सर्कमस्टांसिस. तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी रिसर्च की बेस पे वो भी प्रिडिक्ट करते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है गिवन सर्कमस्टांसिस में कैसे रिएक्ट करेगा. आगे है बिहेवियर. अब बिहेवियर क्या है? कोई भी ऐसा एक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर सकें वो बिहेवियर है. ऑब्जर्वेबल एक्शंस और एक्ट्स आर कॉल्ड बिहेवियर. बिहेवियर रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजियोलॉजिकल और डायनामिक रिस्पॉन्स. बिहेवियर जो है एक बिहेवियर जो है वो रेफर करता है इंडिविजुअल के फिजियोलॉजिकल और डायनामिक रिस्पॉन्स की तरफ. टू सेट अप फिजियोलॉजिकल और डायनामिक रिस्पॉन्स क्या है? उठना, बैठना, खड़े होना, चलना, फिरना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना. आप खुश हैं उसको एक्सप्रेस करना, आप गम में हैं उसको एक्सप्रेस करना, ये जो है आपके फिजियोलॉजिकल और डायनामिक रिस्पॉन्स में आता है. फर्स्ट था ऑर्गेनिज्म, सेकेंड है साइंस, फिर है बिहेवियर. अभी बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? साइंस की डेफिनेशन जो है, सॉरी, साइकोलॉजी
सॉरी गाइस, मैं ये वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे पे बना रही हूँ. सो बीच में मुझे कॉल आ गई थी और वीडियो बीच में से कट हो गई है. सो यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं. मैं आप लोगों को समझा रही थी कि हम ये बेसिकली पढ़ कह रहे हैं, हम लोग जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है उसके अंदर कुछ जो टर्म्स हैं जिसका ऑर्गेनिज्म साइंस बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, इनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. सबसे पहले हमने ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया है, फिर साइंस को किया है, अब बिहेवियर को किया है और अब हम मेंटल प्रोसेसेस पे. सो दोबारा से स्टार्ट करते हैं. द इंडिविजुअल मेंटल स्टेट आर कॉल्ड मेंटल प्रोसेसेस. किसी भी इंडिविजुअल की जो मेंटल स्टेट होती है उसको मेंटल प्रोसेसेस कहते हैं. एन इंडिविजुअल अडॉप्ट्स अ पर्टिकुलर बिहेवियर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस. एक इंडिविजुअल जो है, जो भी उसका पर्टिकुलर बिहेवियर होता है, हम सबके जो बिहेवियर हैं, जो हम सबका बर्ताव है, वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होता है. लेकिन जो एक बंदे का बिहेवियर है वो जैसा है वो वैसा क्यों है, उसकी वजह ये है कि उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो उसके ऊपर जैसा इन्फ्लुएंस करता है, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके माहौल, उसके इर्द गिर्द, उसकी जो एनवायरनमेंट है वो उसके ऊपर जैसा इन्फ्लुएंस करेगी उसके बिहेवियर पे वैसा ही असर होगा, उसका बिहेवियर भी वैसा ही होगा. एक इंडिविजुअल जो है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो है, अपनी एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में करता है. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एन इंडिविजुअल अडॉप्ट्स अ पर्टिकुलर बिहेवियर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस. अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक इंडिविजुअल जो है, उस जो भी वो बिहेवियर, पर्टिकुलर बिहेवियर अडॉप्ट करता है वो उसके मेंटल प्रोसेसेस के इन्फ्लुएंस में होता है. लेकिन अगर आप मज़ीद गहराई में जाएं तो हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल ही एकदम से उजागर नहीं हो गए. उसके मेंटल प्रोसेसेस जो हैं हमारे सारे, जिस तरह हम एक हाथ पे में क्यों रिएक्ट करें, उसका हमारे जो एनवायरनमेंट है उससे बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जो कि एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है तो उसका बिहेवियर कुछ और होगा, और एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि बिल्कुल ही मजदूर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, बिल्कुल अनपढ़ फैमिली है, इलिटरेट फैमिली है, तो उसका बिहेवियर कुछ और होगा. बेशक उसका जो बिहेवियर है वो मेंटल प्रोसेसेस पे, लेकिन अगर आप मज़ीद इसकी डेप्थ में जाएं तो आपको पता चलेगा कि एनवायरनमेंट का जो फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसके अंदर. सो आगे बढ़ते हैं. बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स वंस मेंटल प्रोसेसेस स्लैश स्टेट्स. बिहेवियर जो है एक इंडिविजुअल के मेंटल प्रोसेसेस या मेंटल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में कोई टेंशन चल रही है, आपकी मेंटल स्टेट जो है वो इस टाइम ये है कि आप टेंशन में हैं, तो ऑब्वियसली जो आपका बिहेवियर है वो इस बात को रिफ्लेक्ट करेगा. या आप एक बच्चा ले लें, उसको कहीं से डांट पड़ी है, टीचर से डांट पड़ी है, तो उसकी मेंटल स्टेट जो उस टाइम होगी वो गमगीन होगी, तो वो उसके बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी. तभी तो हम जज कर पाते हैं कि एक बंदा जो है वो आज बहुत ही गुस्से में है, आज बहुत ही गमगीन है, कि आज बहुत ही खुश है. तो आपका जो बिहेवियर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है आपके मेंटल प्रोसेसेस को. मेंटल प्रोसेसेस कैन नॉट बी स्टडीड डायरेक्टली. मेंटल प्रोसेसेस को आप डायरेक्टली स्टडी नहीं कर सकते. इसका मतलब यह है कि आप डायरेक्टली जो है एक बंदे के दिमाग में झांक नहीं सकते, बता नहीं सकते कि इस टाइम ये अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं. आप महज प्रिडिक्ट कर सकते हैं. द इंडिविजुअल्स फीलिंग, थॉट्स, इंटेंशन, इमेजिनेशन, विशेज आर ऑल मेंटल प्रोसेसेस. एक इंडिविजुअल की फीलिंग्स, उसकी थॉट्स यानी कि वो जो भी सोच रहा है, उसकी इंटेंशंस, इमेजिनेशन और विशेस, ये तमाम की तमाम चीज़ें मेंटल प्रोसेसेस में आते हैं. इनडायरेक्ट मेथड आर एम्प्लॉयड फॉर द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस. अब इनडायरेक्ट मेथड जो हैं, यानी कि ऐसे मेथड जो डायरेक्ट ये नहीं होते कि आप किसी के मेंटल प्रोसेसेस को जान लें, बल्कि इनडायरेक्ट मेथड यानी कि थोड़ा सा घुमा के किसी चीज़ के ज़रिए जो है, यानी कि आपके बिहेवियर को डायरेक्ट तो ये ना कि आप बिल्कुल डायरेक्टली जान लें जी उसके दिमाग में क्या चल रहा है. इनडायरेक्ट ये है कि आप कोई ना कोई मीडियम
उसके किसी ना किसी मीडियम के जरिए जाने, आप किसी का बिहेवियर नोटिस करके उसके मेंटल प्रोसेसेस को जाने। तो यहाँ पे मीडियम जो है वो बिहेवियर है। इसके अलावा भी मजीद मीडियम है जो कि आप आगे पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट मेथड जो उनको एम्प्लॉय करके मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है। द स्टडी ऑफ बिहेवियर टॉप्स द लिस्ट ऑफ सच मेथड। आगे भी वही कह रहे हैं कि बिहेवियर की जो स्टडी है वो इन मेथड्स में से सबसे टॉप पे है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैव डिफाइंड साइकोलॉजी एज फॉलोज। अब डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने साइकोलॉजी को अपने अपने अल्फाज में डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है जो कि दर्ज झेल है। आई थिंक सो कि हमें ये टॉपिक जो है यहीं पे कर देना चाहिए क्योंकि वीडियो पर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इसको यहीं तक रखें। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं ये डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन पे कर देती हूँ ये सारा पूरा टॉपिक। और एक और बात मैंने कहनी थी कि ये जो अभी मैंने पढ़ाया है इसकी PDF फाइल जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि अगर आप लोगों ने कोई असाइनमेंट बनानी है या इसको पढ़ना है तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो और आप लोगों को समझ आया हो, हेल्पफुल रही हो। और अगर आप लोगों को लगा कि अच्छी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।